हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि YouTube पे अपना चैनल कैसे बनाया जाता है। काफ़ी सारे लोग तो YouTube पे चैनल तो बना लेते हैं, मगर उस पर कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको उस सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, और एकदम फ्रेश चैनल बना के दिखाने वाला हूँ, और फ्रेश ईमेल आईडी भी बना के दिखाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube है। YouTube को मैं सिंपली ओपन करूँगा। YouTube को ओपन करने के साथ आपको जाना है वहाँ ऊपर में जो लोगो दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ ऊपर में जो लोगो दिख रहा है गाइस, उस लोगो पे सिंपली आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको जो थर्ड नंबर पे आ रहा है ऑप्शन ऐड अ अकाउंट, उस ऐड अकाउंट पे क्लिक करना गाइस। तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और वीडियो गाइस स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा गाइस। तो सिंपली उस ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना, और मुझे सिंपली यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे नीचे में क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन दिखा रहा है। तो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है गाइस, और यहाँ पे फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस दिखा रहा है। तो सिंपली आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपका नाम मांगेगा, तो सिंपली आप अपना नाम दे देना। मैं अपना नाम दे चुका हूँ, तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम देके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो डेट ऑफ बर्थ भी आप दे देना। मैंने भी अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, और सिंपली डेट सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना गाइस। उसके बाद यहाँ आएगा आपका जीमेल रखने के लिए। तो आप अपने यहाँ मतलब जो जीमेल बना देता है वहाँ भी रख सकते हो, और अपने से जीमेल भी अपना बना सकते हो। तो अगर आप अपने से जीमेल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट या ऑन जीमेल लिखा हुआ है, सिंपली आप उस पर क्लिक करना गाइस, और अपने से अपना जीमेल बना लेना। तो मैं अपना जीमेल बना लेता हूँ, और सिंपली गाइस नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट कर देने के बाद आपको आपका पासवर्ड रखना पड़ता है, तो मैं भी अपना पासवर्ड रख लेता हूँ अभी। उसके बाद गाइस आपका फ़ोन नंबर मांगता है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ गाइस। नंबर दे दिया हूँ, और नंबर देने के बाद उस पर कोड आया, तो मैं सिंपली कोड फुलफिल कर दिया हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करके गाइस यस आई एम पे क्लिक कर देता हूँ, और सिंपली आगे बढ़ जाता हूँ गाइस। तो यस आई एम पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ आगे तो देख सकते हैं गाइस हमें ईमेल रेडी हो चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं गाइस। तो नेक्स्ट करने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग जो ईमेल बना लो सब अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना गाइस। सिंपली स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ गाइस, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लग लोडिंग लेता है। उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है गाइस। तो लोडिंग लेने के बाद ये हमें रिडायरेक्ट यूट्यूब पे ला देगा। तो जैसा कि ये डायरेक्ट यूट्यूब पर ला दिया, सिंपली यहाँ ऊपर में मैं आइकन पर क्लिक करके गाइस योर चैनल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपना सारे स्टेप बाय स्टेप आपको चैनल बना के दिखाऊंगा। सिंपली मैं योर चैनल पे क्लिक कर देता हूँ गाइस, और ये हमारा चैनल जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ऊपर में प्रोफाइल है, नीचे में नेम है, और सबसे नीचे हैंडल है। तो मैं सिंपली नेम पे क्लिक करके, आप अपना नेम रख लीजिएगा, मैं अपना नेम रख चुका हूँ तनुज आनंद, आप भी अपना नेम ऐसे ही रख लीजिएगा गाइस। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 14 डेज़ के अंदर सिर्फ दो बार आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा गाइस। और जो नीचे हैंडल है गाइस, ये आप कमेंट जहाँ करोगे या किसी भी कमेंट को रिप्लाई करोगे, तो इस हैंडल को ही आपको वहाँ दिखाई देगा, आपका चैनल नेम में दिखाई देगा, ये हैंडल वहाँ आपको दिखाई देगा। सिंपली मैं यहाँ सेव कर लगा, इसका वही फंडा है कि 14 दिन में आप सिर्फ दो बार ही चेंज कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ सेव कर देता हूँ गाइस, और जो आता है सबसे टॉप पे प्रोफाइल, उस पर क्लिक करता हूँ गाइस, और मैं अपना कोई सा भी एक प्रोफाइल रख लेता हूँ। इसी चैनल का जो मेन चैनल का प्रोफाइल है वही रख लेता हूँ गाइस। तो प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है उसका मैं वीडियो लाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके, कुछ टाइम लोडिंग लेगा प्रोफाइल, जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे में दिखा देगा गाइस कि प्रोफाइल लोड हो चुका है। तो जैसा कि नीचे दिखाता है गाइस, प्रोफाइल लोड हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक करके अकाउंट बना लेता हूँ गाइस। तो कुछ समय लोडिंग फिर से लेता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस। और सिंपली मैं ऊपर जाके उसी आइकन पर क्लिक करके योर चैनल पर जाके देखता हूँ कि हमारा अकाउंट बना है कि नहीं। तो जी हाँ गाइस, हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है, जो कि वन फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है। और सिंपली हम यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और भी एडिट करने के लिए। अभी एडिट शुरू नहीं हुआ गाइस, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जो मेन है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, जो कि अबाउट सेक्शन में दिखाता है गाइस। यहाँ पे कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर आप जिस रिलेटेड वीडियो में वो लिख सकते हैं। और सबसे टॉप पे जो गाइस वो है बैनर, जो कि आप बैनर यहाँ से क्लिक करके अपना बैनर लगा सकते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि मैंने इस चैनल का लगाया है। अगर नहीं देखे हो जाके एक बार मेन चैनल देख लेना, जैसे इस चैनल का लगाया है वैसे ही। तो अब सिंपली जो मेन है वो
यूट्यूब स्टूडियो में जाके है, क्रोम में जाके है, सिंपली आप क्रोम खोलना है और सर्च करना है studio.youtube.com, तो आपको ये डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं जो मेन स्टेप सारा स्टेप है, सारा सेटिंग्स है, वो इसी यूट्यूब स्टूडियो में ही आके करना है और वो भी क्रोम में। और ऐप आप डाउनलोड करें, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्लिक करके मैं सेटिंग जो नीचे यहाँ देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग, तो यहाँ पे जूम करके मैं सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। और सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस धीरे धीरे लोडिंग करके वो खुल जाएगा। उसके नीचे में जो आप देख सकते हो चैनल पर क्लिक करना है आपको, नीचे में चैनल पर क्लिक करके गाइस सिंपली आपको यहाँ से अपनी सेटिंग शुरू कर लेनी है करना। तो सबसे पहले मैं चैनल पर सेट क्लिक करके यहाँ पे अपना कंट्री जो है गाइज इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो मैं सिंपली अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप भी जहाँ से हो वहाँ से सेलेक्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। और कंट्री जो मेन है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना गाइज, क्योंकि आपका वीडियो जिस कंट्री में आप सेलेक्ट कर गए तो उसी कंट्री में ज़्यादा दिखाएगा। और ये कीबोर्ड जो है गाइज, इस कीबोर्ड से आप अपना चैनल को सर्च में ला सकते हो, जो आपका चैनल का नाम है वो सर्च में दे देना, तो इससे आपका कीबोर्ड सर्च में आ जाएगा। तो मैं सिंपली अपने चैनल का नाम कीबोर्ड में दे दूंगा। और जो सेकंड स्टेप है गाइस वो है एडवांस सेटिंग। ये सेटिंग गाइस ये मतलब प्राइवेसी के लिए, अगर आप किड्स के लिए बनाना चाहते हो तो किड्स पे क्लिक कर देते हो, लेकिन मैं किड्स के लिए नहीं बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली नो पे क्लिक कर देता हूँ जो सेकंड ऑप्शन पे है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे आगे पे क्लिक कर देता हूँ गाइस। और जो यहाँ पे मेन सेटिंग है वो ये कि आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, ताकि आप जब मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर कोड आएगा, वो कोड फुलफिल करोगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, जिससे कि आप थंबनेल लगा सकते हो वेरीफाई करने के बाद, थंबनेल लगा सकते हो, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो डाल सकते हो और लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड सेटिंग है जो नीचे में दिख रहा है आपको थर्ड, वो है एडवांस फीचर। उसमें जाके आप अपना वीडियो वेरिफिकेशन दे सकते हो या कोई भी आईडी दे सकते हो, प्रूफ आईडी, जिससे कि वो भी आपका इनेबल हो जाएगा। वो इनेबल होगा तो उससे आपको गाइस आप बहुत सारे वीडियो एक दिन में ही अपलोड कर सकते हो और आप किसी को मेंशन वगैरह भी कर सकते हो ये थर्ड वाले सेटिंग को अप्लाई करने से। तो ये सारा तो हो गया गाइस। अब जो उसके बाद आता है वो आता है गाइस अपलोड सेटिंग। तो सिंपली आपको चैनल के नीचे अपलोड सेटिंग दिख रहा होगा गाइस, तो उस अपलोड सेटिंग में क्लिक करके आपको उसके एडवांस सेटिंग हो जाना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होता है, जो भी कैटेगरी रिलेटेड आप बनाते हैं वीडियो, तो उस कैटेगरी को रिलेट क्लिक कर दो। और वीडियो लैंग्वेज आप अगर हिंदी बना रहे हो तो हिंदी सेलेक्ट कर देना, जो जो हिंदी वीडियो देखेंगे उसके पास आपका वीडियो रिकमेंड करेगा। तो मैं अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी, तो मैं ये हिंदी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिंपली अपना लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद हम लोग हिंदी सेलेक्ट करके सिंपली हम लोग यहाँ सेव कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं सेव कर चुका हूँ। उसके बाद जो आता है एडिट का, तो यहाँ सिंपली आप लोग देख सकते हो मैं एडिट पे जो यहाँ नीचे लिखा रहा है कि सेव हो चुका है गाइस, तो मैं एडिट पे क्लिक करके तो यहाँ नीचे भी दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ आप जब भी आप एडिट कर रहा हो आपका प्रोफाइल या बैनर, तो सिंपली मैं वहाँ पर क्लिक करके तो ये बेसिक इन्फो गाइस, उस पर ब्रांडिंग पर जाके गाइस आप यहाँ पे यहाँ से भी अपना लोगो चेंज कर सकते हो या यहाँ से भी अपना बैनर लगा सकते हो। और जो थर्ड वाला है वो है वाटरमार्क, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो, अपलोड पे क्लिक करके फाइल पे जाना और लगा लेना। उसके बाद यहाँ गाइस आता है आपका बेसिक इन्फो एडवांस, यहाँ आप यहाँ से भी आप अपना डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो। अगर कोई आप सोशल मीडिया का लिंक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ ऐड लिंक जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप अपना लिंक कोई भी सोशल मीडिया का ऐड कर सकते हो गाइस। तो यहाँ से मैं सब कुछ सेव करके यूट्यूब पर चला जाता हूँ गाइस। तो यहाँ यूट्यूब हमारा खुल चुका, तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा यूट्यूब रेडी हो चुका है और सारा चीज़ रेडी हो चुका है गाइस। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जो भी अगली नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो बनाऊँ, नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से गिर सके और आसानी से आप देख सके। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।